हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, पाइथन सीखने के सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो पाइथन प्रोग्रामिंग की है। यहां पर देख सकते हैं दो फंक्शंस हैं। अब ये एक है पॉप और दूसरा है अपेन, ठीक है। जैसे कि पुश दिखाई पड़ता है, पुश हालांकि स्टैक का एक है फंक्शन है, लेकिन इसमें दिक्कत क्या है कि आप पुश का यूज करते नहीं है, हमेशा अपेंड का यूज करते हैं, ठीक है। जब भी आपको रियल प्रोग्राम में इसे इंप्लीमेंट करना हो तो आपको अपेंड ही लगाना होता है। और ये देखिए, ये एक एम्प्टी स्टैक बनाया है। यहाँ पर हमने डॉक्यूमेंटेशन किया है प्रॉपरली, इसे डॉक्यूमेंटेशन कहते हैं। आप हैश लगा करके जो कमेंट लिखते हैं इसे डॉक्यूमेंटेशन कहते हैं, और यहाँ पर प्रॉपरली ये कमेंट भी लगाया गया है, ठीक है। अब पुश करना यानी कि अपेंड करना, यानी उसमें वैल्यूज इंसर्ट करना। तो यहाँ पर 1, 2, 3 लगाया गया। आप चाहे तो कुछ भी यहाँ लगा सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया इंडिया, ठीक है। यहाँ पर अब इंडिया का कंपैरिजन तो अब यूएस से है, रशिया से है, तो यहाँ पे अमेरिका, और फिर यहाँ पे लिख देते हैं जापान, ठीक है। तो ये कर दिया जापान, इस तरीके से ये हमने कर दिया है, ठीक है। मैं इस पोर्शन को कमेंट कर देता हूँ, ये जो नीचे पॉप करवाया है इसको अभी कमेंट करता हूँ। कमेंट करना यानी कि ये प्रिंटिंग में नहीं आएगा, तो ये कमेंट कर दिया हमने। अब इससे होगा क्या, देखिए इससे होगा ये कि पहले इंडिया 0 नंबर पे, फिर अमेरिका 1 नंबर पे, और 2 नंबर पे जापान आ जाएगा हमारे स्टैक के अंदर। तो एक बार इसको प्रिंट करवाएंगे तो आप देख पाएंगे सारी चीजें। यहाँ लिखा प्रिंट, और प्रिंट लिख करके यहाँ पर स्टैक को ही प्रिंट करवाना है, स्टैक के पूरा स्टैक अगर हम प्रिंट करवाते हैं तो ऐसे में क्या प्रिंट होगा, ये सवाल है। F5 करते हैं, इसको सेव करेंगे, और सेव इसको किसी भी नाम से कर सकते हैं, बस .py लगाना मत भूलिएगा, क्योंकि ये पाइथन के फाइल की एक्सटेंशन होती है .py, ठीक है। तो ये हमने कर दिया और यहाँ पे एंटर किया, तो आप देख सकते हैं इंडिया, अमेरिका और जापान, ये तीनों जिस वे में रखा गया था उसी वे में ऑटोमेटिक यहाँ पर आ गया है, ठीक है। यानी कि इसमें वैल्यूज इंसर्ट हो चुकी हैं, यानी आ गई हैं वैल्यूज इसमें, ठीक है। अब इनको हटाना है तो हम पॉप का यूज करते हैं, देख सकते हैं ये। अगर मैं यहाँ पर आता हूँ, इसको हटाता हूँ, और यहाँ पे इसको भी हटा देता हूँ, तो यहाँ पर अब एलिमेंट्स को हम पॉप कराएंगे, पॉप यानी कि अब हटाएंगे इसमें से, ठीक है। वैल्यूज हटाने का मतलब है कि आप पॉप करवा रहे हैं। तो यहां से अगर मैं इसको चलाता हूं तो आप देखेंगे, ये देखिए ये हो गया, ये हो गया। तो अभी यहां पर ये चीजें प्रिंट होती हुई नजर आ रही हैं आपको। प्रिंट लिखेंगे, यहां पर आए और यहां पे लिखेंगे प्रिंट, और फिर अब यहां पर स्टैक को प्रिंट करवाएंगे। तो ये परफॉर्मेंस यानी कि ये स्टैक डॉट पॉप होने के बाद जो लास्ट में एलिमेंट आया, अब देखिए हमारा जो लास्ट वाला जो था वो क्या था उसको एक बार देखते हैं। जब हम इसको चला रहे थे और जो आउटपुट आ रहा था हमारा, यहाँ पे मैं इसे कमेंट कर देता हूँ ताकि ये प्रिंटिंग में ना आए। तो यहाँ पर देखिए ये आउटपुट क्या आ रहा था हमारा यहाँ पर जब हम इसको चला रहे थे। तो देखिए सबसे पहली वाली वैल्यू क्या थी, सबसे पहली वाली वैल्यू इंडिया होगी, फिर अमेरिका, फिर जापान, यही आ रहा है ना। तो इंडिया 0 नंबर पे, अमेरिका 1 पे, और जापान जो है 2 पे आ रहा है, यानी जो इंडेक्सिंग होगी वो कुछ इसी तरीके से होगी, ठीक है। अब इसमें हमको ये देखना है कि अगर हम पॉप कराते हैं, इसको हटाते हैं, पॉप ने रिमूव कराना, हटा देना, जब हम हटा रहे हैं तो लास्ट वाली वैल्यू यानी लीफो का कॉन्सेप्ट यहां पर चलेगा, और लीफो का कॉन्सेप्ट यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट में आता है वो पहले बाहर निकलेगा। तो सबसे लास्ट में यहां जापान आया है तो जापान को पहले बाहर निकलना होगा। तो एक बार अगर हम इसको चलाते हैं और यहां पर हम इसको चला देते हैं, और ये जो पोर्शन है ना इसको कमेंट कर देते हैं, इसको कमेंट कर दिया। अब इसको चलाते हैं एक बार, देखते हैं क्या होता है, ठीक है, इसको चलाते हैं देखते हैं क्या होता है। तो यहां पर देख सकते हैं जो लास्ट एलिमेंट था जापान वो हट गया है, देखिए हट गया कि नहीं, तो लास्ट एलिमेंट हट जाएगा, ठीक है।